हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनुराग वर्मा करता हूँ आपका स्वागत आपके अपने चैनल माय बिग एप्रिन में। आज है 26 जनवरी 2022 बुधवार का आज दिन है, और साथ ही आज है हमारा 73वां गणतंत्र दिवस, यानी कि आज पूरा नेशन सेलिब्रेट कर रहा है अपना 73rd रिपब्लिक डे। सो माय बिग एप्रिन फैमिली की ओर से आप सभी लोगों को 73rd रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी ने आज एंजॉय करी होगी जो परेड होती है, बट मैं खुद नहीं कर पाया वो परेड एंजॉय। क्यों? क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा फीवर है जिसके कारण मैं आज अपनी मेडिसिंस लेके सो रहा था, सो मैं वो परेड नहीं देख पाया। चलिए हम आगे बात करते हैं कि आज के व्लॉग में क्या है। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जाऊंगा बाहर मेरे दोस्त के पास, और मेरा दोस्त है वो एक जो है रेस्टोरेंट चलाता है अपना यही उत्तम नगर में, तो आज हम उसके रेस्टोरेंट जाएंगे। एक्चुअली टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, कल हम गए थे उसके रेस्टोरेंट और वहाँ किया था थोड़ा सा शूट, तो वो मैं आप लोगों के साथ करूंगा आज शेयर। साथ ही जो है मैं दिखाऊंगा कि क्या है वो रेस्टोरेंट, कैसा है, और आप क्या क्या जो है चीजें अवेल कर सकते हैं वहां पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है आज के व्लॉग में। तो रेस्टोरेंट के किचन से पहले चलते हैं घर के किचन में और देखते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है। यहाँ बन रहा है गाजर का हलवा, साथ ही नाश्ते के लिए बन रहा है बेसन का चिल्ला। ये बहुत ही सही चीज़ लगती है मुझे और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। ये नहीं, ये मुझे मीठा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ चिल्ला बन रहा है, बना रही है मम्मी। अगर करें बात नाश्ते की, तो नाश्ते में मैं जनरली लेता हूँ एग्स या फिर ब्रेड, और आज मम्मी बना रही है बेसन के चिल्ले, तो वो मैं आज लूँगा नाश्ते में। मेरा नाश्ता होता है थोड़ा सा लेट, ये लेकर के मुझे लेनी है अपनी मेडिसिन, और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और सोच रहा हूँ अपने बॉस को मैं अपडेट कर दूँ कि आज मेरा जो है ऑफिस में कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल लगा है, बिकॉज़ फीवर अभी है मुझे और बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। देखते हैं, मैं अपने बॉस को देता हूँ इसके बारे में एक अपडेट, और आज मैं शायद रेस्ट करूँ शाम को, तो देखते हैं। और बाहर कुछ हो रहा है तो हम उसे भी कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, बाहर चलते हैं। मैं थोड़ी देर पहले जब जागा था तो बाहर गया था, और तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, धूप ऐस सच थी नहीं, लेकिन अभी अब हम देख रहे हैं तो थोड़ी धूप आ चुकी है बाहर। और अभी बच्चे थोड़ी देर पहले गली में क्रिकेट भी खेल रहे थे, मैं जब जग करके बाहर आया था, तो अभी बच्चे जा चुके हैं, उनका क्रिकेट हो चुका है ख़त्म और वो सब लोग अंदर हैं। मे बी अब उनकी पढ़ाई का टाइम हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ आपको, तो थोड़ी सी धूप जो है आ गई है, हल्की सी धूप आ गई है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट भी बढ़ी है, तो होपफुली ये थोड़ी और बड़े गर्माहट, जिससे कि मैं अपनी इस फीवरिश फीलिंग से हो सकूँ थोड़ा सा दूर। बिकॉज सोचा था कल से जिम शुरू करेंगे, बट पहले तबीयत ठीक करनी होगी, तब होगा जिम। चलो देखते हैं क्या होता है कल, कल का तो कल ही देखेंगे। चलिए पहले चाय को बाद में गर्म करती, पहले वो कर ले। गर्म ही तो है, मैंने उन्हें गर्म कर लिया पापा अच्छा। जी, गर्म ही है। पहले रोटी पराठा बना लेंगे। नाश्ता नहीं किया इसने? ये करिए नहीं थी सुबह से। तो शेफाली नाश्ता क्यों नहीं किया? कर लिया था पापा जी, बोल रहे हैं पैसे ही। पापा ऐसे बोल रहे हैं क्यों? कर लिया मैंने सुबह नाश्ता। ठीक है, कितना बन गया हलवा? पूरा बन गया। तुमने रेसिपी नहीं सीखी? बनाने की हाँ आती है। आती है, सही है। रूम में फिर से एक नया मेहमान भी आ गया है जिससे मैंने आपको मिलवाया नहीं, तो वो मेहमान है ये टेलीविजन। ये रूम में वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ड्राइंग रूम है उसमें जो है शेफाली का टेलीविजन लग चुका है, और ये जो टेलीविजन है ये आ गया है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे जो है मेरा जो कंप्यूटर का स्क्रीन था वो हो चुका था ख़राब, तो मैं इसको एज अ कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करूँगा अब, जिससे कि जो है मैं इसमें अपना एडिटिंग और बाकी चीज़ों के काम कर सकूँ। और बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं रखूंगा कहाँ, बिकॉज ये मेरे टेबल से भी बड़ा है। और टेबल में इतनी जगह नहीं कि मैं इसको दे सकूं वहां पर एक घर, तो प्रॉब्लम फिर से वहीं आ गई है। देखते हैं कैसे निकलता है इस प्रॉब्लम का हल और कैसे करते हैं इसको एडजस्ट। सो फाइनली मेरी प्लेट में आ चुका है मेरा चिल्ला, और मैंने शुरू कर दिया इसको
इंजॉय करना। आई जस्ट लव द टेस्ट। और इसके साथ मुझे जो है एक ओट्स का चिल्ला बनाती है मेरी मम्मी, बहुत यम है। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ों के लिए मैं अभी तक अपनी मम्मी पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे दोनों ही बनाने नहीं आते। बट मुझे लगता है सीखना होगा, लेकिन वो कहते ना एक माँ के हाथ का स्वाद आप उसको नहीं ला सकते अपने खाने में। तो अब मैं इसको खाता हूँ और होपफुली रेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा बेटर फील करूँगा। और अगर मैं करता हूँ थोड़ा भी बेटर फील तो मैं लॉगिन करूँगा आज शाम को और अपना काम करूँगा। अगर लगता है थोड़ा सा भी तबीयत नहीं ठीक लग रही या फीवर नहीं जाता, बॉडी एक नहीं जाता, तो मैं जो है फिर आज रेस्ट लूँगा। मैं अपने बॉस को इसके बारे में कर दूँगा अपडेट। मैं अभी बहुत जल्दी ठीक होना चाहता हूँ बिकॉज जिम को बहुत डेस्परेटली मिस कर रहा हूँ, जिसको मैं किसी न किसी कारण से मिस करता जा रहा हूँ पिछले 2 महीने से। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हूँ और जाऊँ जिम। सो चलिए मैं इंजॉय करता हूँ अपना चिल्ला, आप भी कुछ खा लीजिए। आप लोगों का तो लंच वंच सारा करने का टाइम है, बज रहे हैं लगभग 3:30 का सारा टाइम है, इंजॉय कीजिए आप भी कुछ। मिलते हैं। सो ये है हंग्री ज़ॉम्बीज, हमारे अंदर के उन भूखे ज़ॉम्बीज को शांत करने की जगह। और यहाँ पर सिर्फ जो मैंने इनका पार्टी हॉल या अंदर जो किचन दिखाया वो ही नहीं, यहाँ पर एक इनका काउंटर भी अवेलेबल है बाहर, जहाँ पर आप आकर ले सकते हैं मोमोज और सूप्स के मज़े। और ये टाइमिंग मैं आपको बताया था, टाइमिंग कब तक रहती है इसकी यहाँ पर, कब तक हम होते हैं यहाँ पर? ये 3 बजे से रात को 12 बजे तक। सो रात 12 बजे तक आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं सूप्स और मोमोज के मज़े, और दोपहर में 3 बजे खुल जाता है ये। सो आप यहाँ भी आए। और अगर हम बात करते हैं लैंडमार्क की, तो लैंडमार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंडमार्क है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2। तो यहाँ से आप उतरे और पार्किंग से आए बाहर, और सामने ही मिलेगा आपको है हंग्री ज़ॉम्बीज नाम का एक रेस्टोरेंट। आए और अपने ज़ॉम्बीज को करें तृप्त। सो ये था हंग्री ज़ॉम्बीज, एक रेस्टोरेंट जो पाया जाता है उत्तम नगर में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास। तो ये क्या है, कैसा है, क्यों है और कौन इसको करता है ओन, वो सब चीज़ें करेंगे हम आपसे कल शेयर। सो कल के व्लॉग में मैं शेयर करूंगा आप लोगों से हंग्री ज़ॉम्बीज के बारे में सब कुछ, और मिलवाऊंगा उनके ओनर से भी। सो अब आगे हम बात कर लेते हैं आज की अपडेट के बारे में। तो आज की अपडेट ये है कि मैंने अपने बॉस को दे दिया है अपडेट कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फीवर है और आज मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। तो अभी बारी है मेरे जो है मेडिसिन लेकर सोने की। तो सोने के लिए मैंने पहन लिए अपने पजामाज, और पजामाज से याद आया आज के फन फैक्ट के बारे में, क्योंकि आज का हमारा फन फैक्ट जुड़ा हुआ है पजामाज के साथ ही। जी हाँ, आज का फन फैक्ट है हमारे पजामाज से जुड़ा हुआ। और पजामाज को ओरिजिनली इंग्लैंड में पहनना शुरू किया गया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। उससे पहले वो लोग पहना करते थे नाइट गाउन, और उन्होंने स्विच किया पजामाज पे ताकि अगर होती है कोई भी स्ट्राइक, कोई भी अटैक, तो उन्हें नाइट गाउन चेंज करके ऐसा कुछ ना पहनना पड़े जिसमें उनके लिए भागना हो आसान, तो पजामास पहन के वो दौड़ सकते थे तेज, इसलिए उन्होंने स्विच किया पजामास पे। सो चलिए, कैसा लगा आपको ये फन फैक्ट, आप हमारे साथ कर सकते हैं इसे शेयर। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आया पसंद तो आप दे सकते हैं हमें एक लाइक, और फर्स्ट टाइम विजिटर है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बिकॉज हम आप लोगों के लिए लाते हैं रोज एक वीडियो। सो अभी मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं, एंड होपफुली कल मैं आपसे मिलता हूँ एकदम ठीक ठाक होकर के। तो अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।